हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू क्लास आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के और इसमें हम लोग एम देखेंगे और एम के साथ ही उनके आंसर देखेंगे जब आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ेंगे सो so, पहला क्वेश्चन ही डिस्कशन मैथड है डिस्कशन मैथड कैन बी यूज वैन डिस्कशन मैथड कब यूज किया जा सकता है जब टॉपिक इजी हो या टॉपिक डिफिकल्ट हो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो या ऑल ऑफ द अबव तो आपका जो आंसर है वो है टॉपिक इज डिफिकल्ट जब टॉपिक डिफिकल्ट हो तो हम डिस्कशन मेथड यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचिंग एड ये इसमें से टीचिंग एड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो टेप रिकॉर्डर हो गया आपका सिक्सटीन एम एम फिल्म प्रोजेक्टर हो गया या फिल्म प्रोजेक्टर सिंपली प्रोजेक्टर वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल तो ये आप लोगों की जैसे कि इसी से क्लियर है कि ये सभी आपके क्या है टीचिंग एड हैं या हम बात करें कि सहायक सामग्री हैं द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू टू डिवेलप ओनली थिंकिंग सिर्फ थिंकिंग हमें डिवेलप करने के लिए टीचिंग uh, होती है टू डिवेलप ओनली रीजनिंग या बोथ ए और बी और टू गिव इंफॉर्मेशन तो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है तो यहाँ पे हमारे पास रीजनिंग और थिंकिंग दोनों चीज़ों को डिवेलप करने के लिए टीचिंग होती है द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड जो टीचिंग की क्वालिटी है वो किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बाई द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास बाई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्ड बाई स्टूडेंट्स एंड बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास तो साइलेंस का कोई मतलब नहीं है आप लोगों का और स्टूडेंट के पास होने से कोई मतलब नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं कि आंसर आप लोगों का क्या है द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्ड बाई स्टूडेंट अब यहाँ पर ये आंसर क्यों है कि जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसका मतलब होता है इन्वॉलमेंट से तो अगर बच्चे का इन्वॉलमेंट पढ़ाई में है या क्लास का जो सेशन है उसमें है तो हम उसे बेस्ट टीचिंग हम कहेंगे नेक्स्ट है आप लोगों का दी प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ टू प्रमोट रोड लर्निंग डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट्स और डज नॉट इनक्रेज स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर इन क्लास और ऑल ऑफ़ दी अबव तो जो अभी एनअल एजुकेशन एग्जामिनेशन जो सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों को क्या करता है प्रमोट करता है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्लासेस को पास करने के लिए बच्चे रटना शुरू कर देते हैं रोड लर्निंग पर फोकस करते हैं और ना ही कोई बहुत अच्छी स्टडी हैबिट्स बच्चों के अंदर आती है और ना ही बच्चे रेगुलर क्लास में हो पाते हैं तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव टीम टीचिंग हैज़ दी पोटेंशियल टू डिवेलप जो टीम टीचिंग है वो क्या चीज़ डिवेलप करती है कोऑपरेशन कॉम्पिटिटिव स्प्रिट हाईलाइट द गैप इन ईच अदर्स टीचिंग और द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का कि ये जब भी हम टीम टीचिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों का क्या है सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर तो टीम टीचिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ टीम टीचिंग का मतलब होता है कि दो टीचर ये कॉन्सेप्ट है टीचिंग का राइट right? तो उसमें क्या होता है कि दो टीचर एक दूसरे के सब्जेक्ट को को रिलेट करके पढ़ाएंगे जैसे कि इनकेस आप साइंस पढ़ा रहे हैं और दूसरा टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है तो जो मैथ्स वाला टीचर है वो कुछ ना कुछ साइंस के बारे में भी बताता रहेगा और जो साइंस टीचर है वो मैथ्स के बारे में डिस्कशन करता रहेगा चीजों के बारे में या को करके दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो इसी को टीम टीचिंग कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम स्टूडेंट्स बिकम सीरियस इट कम्पेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक इट इम्प्रूवस अटेंडेंस इन क्लासरूम एंड इट रिड्यूस एग्जामिनेशन एग्जाइटी अमंग द स्टूडेंट्स तो आपका जो आंसर है वो है इट कम्पेल्स स्टूडेंट टू थिंक मीन्स जो उसकी लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग है उसके लिए तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का मतलब है कि क्वेश्चन uh, सिर्फ बुक से ना नहीं आएंगे बल्कि जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं hmm, तो इन्हें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है और uh, जो भी क्वेश्चंस बाहर से ओपन बुक एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसकी वजह से बच्चा क्या करता है उसको सोचने पर उसे मजबूर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ टीचिंग इनकरेज द यूज़ ऑफ मैग्जिम मैगजिमम सेंसेस सेल्फ स्टडी मैथड लेबोरेटरी मैथड टीम टीचिंग मैथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड तो आपका आंसर है लेबोरेटरी मैथड लेबोरेटरी मैथड में यूज़ ऑफ मैग्जिम सेंसेस लेबोरेटरी मैथड में सबसे ज़्यादा सेंसेस बच्चे के यूज़ होते हैं uh, सुनना देखना टच करना इस तरह से हम लेबोरेटरी मेथड को यूज करते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके बारे में कि इन केस ये साइंस वाले के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे साइंस वाला क्या कर रहा है कि शुगर के बारे में बता रहा है कि शुगर ये होता है और कि जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आई थिंक दिस इज़ दमूला ओके okay, सो so, uh, अगर शुगर के बारे में बता रहे हैं तो क्या करेंगे कि शुगर बच्चे को हम क्या करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा बड़े शुगर हो गए लेकिन हम क्या करेंगे कि जो शुगर है उसको बच्चे को चखने के लिए भी देंगे ओके लेबोरेटरी मेथड इसी को कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा अभी अभी एजुकेशन में भी ये चीज़ अप्लाई की गई थी कि बच्चे को दीजिए जैसे आप लोग सॉल्ट uh, है सॉल्ट दे रहे हैं तो सॉल्ट ला उसको सॉल्ट भी हम क्या करेंगे खाने को देंगे शुगर भी उसको खाने को देंगे और तो इसमें देखिए अगर जब मैंने किसी को शुगर खाने को दी है तो क्या होगा वो देखेगा भी चखेगा भी और फील भी करेगा उसे टच करके फील करेगा उसके बारे में सुन भी रहा है तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं इंपॉर्टेंट उसमें लेबोरेटरी मेथड में सारे सेंसेस यूज़ हो रहे हैं व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस और कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंट टॉलरेंस पावर एंड कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी तो इसमें जो फाइन सेंसेस वाला है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो बाकी चीज़ें भी इस उसमें होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट है वो ये आपका है कि उसके पास एक फ़ाइन सेंस होना चाहिए अब बात आती है कि फाइन सेंस में देखिए कभी कभी हमें जब सेलेक्ट करना होता है आंसर तो हम किस तरह से थोड़ा सा एनालाइज करके बताएंगे जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ एग्जाम जो होता है वो सेवेंटी फाइव परसेंट तो पढ़ के पास होता है लेकिन जो थर्टी परसेंट होता है वो कॉमन सेंस से पास होता है और जिसके पास ये है उसका हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन होगा ही होगा क्योंकि हंड्रेड परसेंट किसी के पढ़ने कोई भी पढ़ के पास नहीं होता है ठीक है तो ये जो हमें थर्टी परसेंट है इसको ज़्यादा डिवेलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी होती है तो अब देखिए यहाँ पर मैंने फाइन सेंसेस की बात की यहाँ पे लिखा है गुड पर्सनैलिटी की है टॉलरेंस पावर की है और सॉफ़्ट स्पोकन की है तो अगर मैं सॉफ़्ट स्पोकन कहूँ तो हो सकता है कि सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट स्पोकन से तो काम नहीं चलेगा ओके okay. या टॉलरेंस टॉलरेंस पावर से काम नहीं चलेगा या हम कहें कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो सिर्फ पर्सनैलिटी अच्छी होने से काम नहीं चलेगा ठीक है जब हम कम्युनिकेटर की बात करेंगे मीन्स एक अच्छे वक्ता की बात करें तो उसके पास फाइन सेंसेज होने चाहिए मीन्स वो सुनता अच्छा हो तो जब सुनता अच्छा हो इसका मतलब उसके अंदर टॉलरेंस स्किल है ओके पावर है और वो अच्छा अच्छी तरीके से बोल सकता है तो सॉफ्ट स्पोकन होगा वो उसके मीन्स पर्सनैलिटी का हिस्सा है और अगर फाइन सेंसेस हैं तो पर्सनैलिटी अच्छी ही होगी तो इसलिए हमने क्या किया है इसको सेलेक्ट किया है तो इस तरह से एनालाइज कीजिए चीज़ों को और राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन एक जो इफेक्टिव टीचर है वो कैसा होता है कंट्रोल द क्लास वो कंट्रोल क्लास पे करके रखता है या मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न और करेक्टली असाइनमेंट केयरफुली जो असाइनमेंट है उनको केयरफुली असाइन उनको करेक्ट करता है गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम और जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में दे देता है तो दीज आर थिंग्स एक टीचर के अंदर ये सारी गुण भी होने चाहिए लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है मोटिवेट करना जब हम किसी को मोटिवेट कर लेते हैं तो सिंपली साइकोलॉजी का रूल है कि आप लोग घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते आप तो जब तक घोड़े को आप प्यास नहीं जगाएंगे उसके अंदर उसे दौड़ाएंगे नहीं तो तब तक आप क्या नहीं कर सकते उसे पानी नहीं पिला सकते वो दो, खुद दौड़ेगा तो वो खुद पानी पिएगा तो कहने का मतलब ये है जब मोटिवेशन होगा तो क्लास अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी क्यों क्योंकि स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस में आ जाएंगे ओके आप मार मार के क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करेंगे कि मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को तो क्लास भी कंट्रोल हो जाएगी और जो असाइनमेंट होंगे आप खुद ही सोचिए कि कम उसमें जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो असाइनमेंट अच्छे बनेंगे कम टाइम में ठीक होगा और इन्फॉर्मेशन भी आप दे पाएंगे तो मोटिवेशन क्या है आप लोगों का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है तो इसलिए आप मोटिवेट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल इसमें जो टीचिंग स्किल है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एक्सप्लेनिंग क्वेश्चनिंग ब्लैक बोर्ड राइटिंग ऑल ऑफ दी अबव तो सारी चीज़ें हैं इसमें आप लोगों की क्या है ये तीनों के तीनों आप लोगों की टीचिंग स्किल का हिस्सा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर्स आर बॉर्न टीचर्स कैन टीच लेक्चर मैथड कैन बी यूज फॉर डिवेलपिंग थिंकिंग एंड टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न तो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट की जो डिज़ायर टू लर्न है वो इन सारी चीज़ों को क्या कर लेता है ओवर शेड्यू कर लेता है तो इसलिए आपका आंसर ये है कि टीचर का जो है टीचर आ, की जो हेल्प है वो बच्चे को सीखने के लिए आ, मदद करती है कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ शायद मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा जाता है जेपीडी जिसको कहा जाता है आप लोगों ने सुना होगा साइकोलॉजी पढ़ते हुए तो होता ये है कि बच्चे को क्या है कोई चीज़ नहीं आती है और कोई चीज़ आएगी इसके बीच का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे को कन्फ्यूज़न होते हैं तो बस इसी कन्फ्यूज़न को जब एक टीचर दूर कर लेता है तो बच्चा लर्निंग तक पहुँच जाता है और अगर यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है तो बच्चा वहीं रहेगा अपनी पीछे वाली परिस्थिति में रहेगा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि एक बहुत छोटा बच्चा है उसने क्या कहा कि उसने एक कौवे को देखा और वो कैसा था काला था ठीक है वो कैसा था आप लोगों का ब्लैक था काला था अब आपने बच्चे को कहा था कि ठीक है ये क्या है कौवा है अगले दिन बच्चा क्या करता है कोयल कोयल को देखता है तो देखता है कि कोयल भी काली है ओके तो वो अपने पेरेंट्स को कहेगा या टीचर को कहेगा वो देखो वो कौआ है मीन्स दैट्स करो एंड तो आप क्या कहेंगे कि नहीं वो तो क्या है एक कोयल है तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग उसे बताएंगे भी आपने कन्फ़्यूज़न क्लियर भी करना है उसका क्योंकि उसने तो कलर के हिसाब से उसे आ, का काला जो है आ, कौवा उसे बताया क्रो बताया वो राइट सो क्या हुआ है कि आप, आप उसे क्लियर करेंगे कि साइज जो है ये थोड़ा सा छोटा है और देखिए इसका जो साउंड है वो कुछ अलग है ठीक है तो अब उसने क्या कर लिया है कि कोयल को पहचाना सीख लिया है मीन्स उसकी लर्निंग हो गई है उसकी लर्निंग हो गई है अगर आप ये उसे डांट दें कि क्या पागलपन है ये कि मैंने कल ही तो आपको कौवा दिखाया था आप इसको भी कौवा बोल रहे हो जो कि मैंने कौवा दिखाया था ठीक है आपने कन्फ्यूज़न दूर नहीं किया सिर्फ उसे डांटा है तो वापस आ जाएगा मीन्स उसकी लर्निंग नहीं हुई है और यहाँ पे लर्निंग तो इसी को ये जो कन्फ्यूजन वाला होता है तो यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है तो यहाँ उसी की बात की गई है कि जो टीचर की हेल्प है वो राइट right डायरेक्शन में होनी चाहिए मीन्स उसे अच्छे तरीके से टीचर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से बताए जितना उससे हो सकता है नेक्स्ट है आप लोगों का द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वॉज कि जो सबसे पहले क्रॉनिकल बना था वो कलहन था वो था नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम सिलेबस इज एने टू करिकुलम करिकुलम इज़ द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड सिलेबस इज नॉट सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो ये बहुत ही सिंपल है सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम सिलेबस क्या होता है करिकुलम का हिस्सा है तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल जो इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है वो कौन सा इनमें से नहीं है तो ऑडियो कैसेट है वैसे आज के डेट में यूज़ नहीं होती है प्रिंटेड मटीरियल ये भी आपका इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है और जो प्रोजेक्टर है वो भी आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है कहने का मतलब है कि जो हम जिस चीज से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी ये तो वर्ड ही बिल्कुल अलग हो गया है लेकिन फिर भी ये नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट लेक्चर मैथड कैन डिवेलप रीजनिंग लेक्चर मैथड इज़ वन वे प्रोसेस बिल्कुल सही लेक्चर मैथड वन वे प्रोसेस है लेक्चर मैथड कैन डिवेलप नॉलेज बिल्कुल लेक्चर हम जब सुनेंगे तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये लेक्चर मैथड ही एक तरह से हम इसे मान सकते हैं और ड्यूरिंग लेक्चर मैथड स्टूडेंट्स आर पैसिव और इसमें क्या होता है लेक्चर मैथड में स्टूडेंट पैसिव होते हैं ओके सो रीजनिंग सो रीजनिंग जो है वो डिवेलप लेक्चर मैथड नहीं करता है यू कैन सी दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हाइयर एजुकेशन लेवल इज़ टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन तो जो अगर हम टीचिंग को हाइयर एजुकेशन लेवल की बात करें तो न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन तो ये तो बिल्कुल नहीं है आपको एक आइडियल टीचर की तरह सोचेंगे तो ये बिल्कुल आपका कट चुका है टू अ कैपेसिटी टू टेक डिसीजन एंड टू टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर तो आपका जब हाइयर एजुकेशन लेवल की बात की जाती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं टेकिंग डिसीजन्स की अगर हम इसी को सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो सेकेंडरी लेवल पे ये आप लोगों का होगा मीन्स माध्यमिक की अगर हम बात करें तो माध्यमिक में ये होता है या प्राइमरी में भी अगर बात करेंगे तो यही आप लोगों का होगा लेकिन अगर आप हाइयर एजुकेशन की बात करेंगे तो ये टेक डिसीजंस होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वैलिडिटी इंश्योर्स रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी इंश्योर्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ये आप लोगों को ध्यान रखनी है रिलायबिलिटी एंड इनडिपें वैलिडिटी अब ये आप लोगों का एग्ज़ाम के पर्पज़ से है या टेस्ट के पर्पज़ से है या इवेल्यूएशन के पर्पज़ से पूछा जा रहा है कि जो uh, आपका इवेल्यूएशन है वो रिलायबल है या वैलिड है या वैलिडिटी उसकी है या नहीं है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्युएशन यहाँ पे हम इवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं सो राम गाट फोर्टी फाइव मार्क्स आउट ऑफ टू हंड्रेड एंड मोहन गाट थर्टी एट परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश श्याम गॉट फर्स्ट डिविजन इन फाइनल एग्जामिनेशन सो ये सभी क्या है आप लोगों की इवेल्यूएशन का इवेल्यूशन uh, के एग्जाम्पल हैं टीचर यूजेज विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग सिंपल क्विक इंटरेस्टिंग और मोर मोर नॉलेजिबल तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है आप लोगों का कई लोग इसको नॉलेजिबल बोलेंगे ओके लेकिन हमारा जो फोकस है वो इंटरेस्टिंग बनाने पे है तो ध्यान दीजिए हमें कुछ वर्ड्स हमें बिल्कुल याद रखने हैं कि अगर नॉलेज और इंटरेस्ट की बात आएगी मीन्स नॉलेजिबल और इंटरेस्टिंग की बात आएगी तो हम इंटरेस्टिंग को चूज़ करेंगे क्योंकि बोझ मुक्त शिक्षा की बात हो रही है ठीक है बोझ मुक्त शिक्षा की बात हो रही है तो जब हम बोझ मुक्त की बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे चीजों को एंजॉय करें ओके बच्चों को ज्यादा ज्यादा हम चीजों को इंजॉय करा पाए तो ये एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल जो हायर एजुकेशन लेवल की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रमोट सेल्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं ठीक है प्रमोट सेल्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं सेल्फ डिसीजन की बात कर रहे हैं किस में हाइय एजुकेशन की बात कर रहे हैं जब हम विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड लाइक द मोस्ट पंक्चुअल हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड हु ऑफन अम्यूज हिज स्टूडेंट्स और लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलासफी तो देखिए फिलासफी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ओके लेकिन अगर किसी की बच, किसी टीचर का आ, मीन्स आप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड लाइक द मोस्ट आप किस टीचर को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे तो जिसका रिसर्च एप्टीट्यूड हो जो पढ़ाने से पहले चीज़ों को रिसर्च करता हो आपको कितना आता है इससे मतलब नहीं है लेकिन आप कितना कलेक्ट करके आप आ, कितना पढ़ाते हैं वो आपका क्या है उस टीचर को ज़्यादा पसंद किया जाता है इससे मतलब नहीं है इन केस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है ठीक है बट आई एम डूइंग रिसर्च ऑन इट बिफोर टीचिंग ओके वो चीज़ मैटर करती है या आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए लेकिन केस आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और आप उसके ऊपर उसके उस टॉपिक पे रिसर्च भी कर लेते हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि ज़्यादा आप लोग उसके बारे में जान पाएंगे या आप उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपकी लर्निंग बनी रहेगी नेक्स्ट है आप लोगों का माइक्रो टीचिंग इज द मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर बिफोर द बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग और आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग अन दबॉ तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो है ड्यूरिंग प्रैक्टिस टीचिंग के ही दौरान क्या होता है स्टूडेंट uh, टीचर क्या करता है माइक्रो टीचिंग करता है ये बीएड में भी आप लोगों ने किया होगा जिन लोगों ने रेगुलर बीएड किया होगा उनको पता होगा कि जो टीचिंग कराई जाती है माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है और ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही की जाती है जैसे कि आप स्कूल्स में जाते होंगे और उसी टाइम पे आपको टाइम दिया जाता है कि ओके फाइव या सिक्स मिनट में आपको ये करना है इस स्किल पर काम करना है एक पर्टिकुलर स्किल पर काम करना है रीडिंग पे राइटिंग पे लिसनिंग पे काम करना है आपको विच ऑफ़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग जो पनिशिंग द स्टूडेंट बस अब अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ ऑल नहीं है नीचे तो अगर आप सिर्फ पनिशिंग वाला देख लिया आपने तो बस पनिशिंग तो होता ही नहीं है ओके लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द्लास बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए लेकिन पनिशमेंट है ही नहीं ऑल राइट right? जैसे कि हमने देखा कि एन सी में ये भी लिखा हुआ है कि टू में कि आपको घूरना भी नहीं है बच्चे को उसके भी क्या हैं अलग चार्जेज हैं वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ स्किल एटीट्यूड एप्टीट्यूड और रिलेशनशिप तो स्किल्स की बात आती है कि जो वर्बल गाइडेंस है वो स्किल्स को डिवेलप नहीं करती है जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन लर्निंग जो अगर हम बात करें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का द प्रोविजन ऑफ इंकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट

लेकिन उससे बेटर है कि आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट ओके जब हम बात करते हैं कि इंसाइट की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें इनक्रेजमेंट भी आ जाता है ओके okay? तो आप लोग जब हम किसी के अंदर इंसाइट इन टू वट कंस्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस तो हम किसी को किसी के अंदर वो इंसाइट डिवेलप कर लें कि जिससे कि वो अपना काम परफॉर्मेंस प्रॉपर कर पाए द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज़ ऑफ लर्निंग इज़ पर्सनल एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर तो ये तो आपका लर्निंग की डेफिनेशन ही है कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है शिक्षण हम कहेंगे लर्निंग होता है या अधिगम होता है तो सीखना जिसे हम कहते हैं तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये तो एग्जैक्ट वर्ड आप लोगों को याद हो गया होगा बहुत टाइम से आप लोग इसे पढ़ रहे होंगे द स्टूडेंट्स हु कैप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग एडवाइज़ नॉट टू डिस्टर्ब during द लेक्चर एडवाइज़ टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास एनकरेज टू फाइंड आंसर independently, और धीरे धीरे जो एक टीचर का uh, means मोटिवेट मोटिवेशन होना चाहिए ठीक है वो ये होना चाहिए कि आप लोग जो बच्चे को हम मोटिवेट करें उसको ये मोटिवेट करें कि वो हमसे उसका जो डिपेंडेंस है उससे वो स्वतंत्र हो जाए वो हमेशा टीचर पर ही डिपेंड ना रह जाए आ, तो ये मेरा भी काफ़ी कोशिश रहती है कि जो भी आप पढ़ें उस पर आप रिसर्च जरूर करें जब आप उन चीजों पर खुद से रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना एक वे मिलेगा जब अपना एक वे मिलेगा हो सकता है कि मेरा कुछ वे आपको पसंद आए लेकिन आपके खुद के वेज जो आप खुद डिवेलप करेंगे अपने अंदर स्टडी के क्वेश्चनिंग के या सोल्यूशन को ढूंढने के तो उससे क्या होता है कि आपको जो स्टडी है उसमें मज़ा भी आएगा आप खुश होंगे उसको पढ़ के और चीज़ों को चीज़ों में इन्ग्रॉस्ड फील करेंगे कि हाँ मैंने कुछ ढूंढा है जब हम कुछ डिस्कवरी करते हैं खुद से कुछ डिस्कवरी करते हैं इनकेस चलिए है। मैं आप लोगों को इसी सेशन की बात करता हूँ कि कई बार मैं आप लोगों के लिए शॉर्टकट्स बनाता हूँ ऑलराइट तो आप लोगों के लिए वो भी एक चीज़ याद करने वाली हो जाएगी लेकिन इन केस आप जिस दिन खुद से शॉर्टकट बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि मैंने ये शॉर्टकट बनाया और वो शॉर्टकट आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा तो ये मत कीजिए कि सिर्फ शॉर्टकट्स याद मत कीजिए ये सीखिए कि शॉर्टकट्स बनाए कैसे जाते हैं बहुत सिंपल सी बात है हम कभी फर्स्ट के लेटर ले लेते हैं कभी हम एसोशिएट कर लेते हैं चीज़ों को तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप लोग ख़ुद को क्या करेंगे इंडिपेंडेंट फील करेंगे कि ओके अब मैंने सीख लिया है कि सीखना कैसे है तो हम हमारा एक एज ए टीचर हमेशा एक इनक्रेजमेंट uh, होना चाहिए कि हम अपने जो आंसर हैं उनको इंडिपेंडेंटली ढूंढ पाएँ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू लेक्चर मैथड टेक्स्टबुक मैथड ऑडियो विजुअल एड्स और डिस्कशन मैथड तो आप लोग देखिए कि जब हम लेक्चर मैथड की बात करते हैं तो उसमें नहीं हो सकता जब डिस्केशन मैथड ये बेस्ट मैथड है और जिसमें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन की ओके लेक्चर मेथड तो वन वे मेथड है टीचर अपना लेक्चर देगा बाकी सुनेंगे टेक्स्ट बुक मैथड में भी इतना ज़्यादा इन्वॉलमेंट होता नहीं है ऑडियो विजुअल एड्स में भी बच्चे सिर्फ सुनते हैं वन वे ही होता है और डिस्कशन मैथड में ये होता है कि सभी उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं तो वर्ड्स को ढूंढना सीखिए कि पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहाँ पे ओके तब आप एग्जैक्ट चीज़ पे पहुँच पाएंगे बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए कोई तो एक की पॉइंट होगा वहाँ पर क्वेश्चन में तो अगर आपको उपसंद पता चल गया तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन को देख पाएंगे यूज़ ऑफ रेडियो फॉर हाइयर एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रिजम्पन अगर हम रेडियो uh, का यूज़ कर रहे हैं हाइयर एजुकेशन के लिए तो uh, एक प्रिजम्पन किया जाता है मीन्स सोचा जाता है कि क्यों ऐसा है ओके okay? रेडियो क्यों यूज़ किया जाता है हाइयर एजुकेशन के लिए या टेलीविज़न क्यों यूज़ किया जाता था uh, जब कोरोना पीरियड हुआ तो ही टेंथ तक की क्लासेज चली हैं उस पर टें uh, 12, 12th स्टैंडर्ड तक की क्लासेस चली हैं बट हमेशा ये माना गया है कि हाइयर एजुकेशन में ही क्या है टीवी uh, या इस तरह की चीज़ें यूज हुई थी uh, यहाँ पे रेडियो लिखा हुआ है लेकिन आप इसे टीवी सेट से जोड़ सकते हैं रिप्लेसिंग टीचर इन द लॉन्ग टर्म क्या ये सोच के चला जा रहा है कि काफ़ी टाइम बाद हम टीचर को रिप्लेस कर देंगे एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू रेडियो सेट तो यही आपका आंसर है कि ये मान के चला जाता है कि सभी के पास ये चीज़ है इसीलिए यूज़ किया जा रहा है द टीचर हैज़ बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलासोफा एंड गाइड बिकॉज कि टीचर को फ्रेंड फिलासोफा एंड गाइड क्यों कहा गया है तो जैसा कि आप देखते हैं कि ही ट्रांसमिट हाई वैल्यूज़ ऑफ़ ह्यूमनिटी टू स्टूडेंट कि जो एक टीचर है उसे क्या करना है हाई वैल्यूज़ देनी होती है बच्चे को स्टूडेंट को

अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो उसे सिंपली आपको चीज़ें बताएगा जब एक्सप्लेन चीजें होती हैं तो हमारा ब्रेन उसे जल्दी रिसीव कर लेता है नेक्स्ट आपका अ टीचर कैन एस्टैब्लिश रेपो विद हिज स्टूडेंट्स बाय प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड बिकमिंग फिगर ऑफ अथॉरिटी बिकमिंग अ फ्रेंड टू स्टूडेंट्स इम्प्रेसिंग स्टूडेंट विद नॉलेज एंड स्किल्स अगर टीचर से जो हम बात करें कि नॉलेज और स्किल जो है वो नॉट इवन टीचर्स अगर हम बात सिर्फ टीचर्स की ना करें किसी की भी किसी भी और फील्ड की भी करें तो हम उससे किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं उसकी उसके नॉलेज से या स्किल से ऑल राइट right? कि उसे उस चीज़ का कितना नॉलेज है और उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं और टीचर uh, की केस में एक चीज़ और होती है कि नॉलेज हो गया स्किल हो गया और उसको हम कितना इम्पार्ट कर पाते हैं मीन्स दूसरे को कितना दे पाते हैं उस चीज़ से स्टूडेंट्स इम्प्रेस होते हैं एजुकेशन इज़ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एजुकेशन है वो किस चीज़ के लिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ऑफ द अबव सो वी नो कि ये तीनों चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं आ टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मैगजिम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लास रूम एक्टिविटीज़ जो एक टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टूअर्स मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट इस अफेक्टेड थ्रू कि अगर हम बात करें कि जो टीचर का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए तो हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर क्लासरूम एक्टिविटीज़ की क्लासरूम एक्टिविटीज़ पर मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नीड स्टूडेंट्स की नीड को फुलफ़िल करना स्ट्रिक्ट रेनफोर्समेंट ऑफ अकेडमिक स्टैंडर्ड हम उसे बच्चों को स्टैंडर्ड uh, तक uh, बहुत अच्छे से कर रहे हैं या सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड गोल्स एंड पर्पस अब ये सबसे बड़ा क्या होता है uh, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि हम बच्चे के लिए क्या है उन उसकी नीड्स गोल्स और पर्पस के लिए क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अगर हम ये हैं तो uh, बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन को हम अफेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन जो टीचर की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है तो इसे आप डायरेक्टली आंसर पढ़ सकते हैं हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स कि हम क्या करेंगे अपना जो पर्सनल गेन है उसे छोड़ दें और सर्विस टू अदर को गेन कर लें सो so, यहाँ पर कल का भी मैंने आप लोगों को एक जो लेक्चर वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनको मीन्स गॉड से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी बार बोलते थे तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई थी कि जो आंसर है ये तो वैसे एलटी की क्लास का वीडियो है लो लेकिन जो स्क्रीनिंग वाले में मैंने यही सेम क्वेश्चन आप लोगों को बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हिज़ कंसनट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज़ विद स्प्रिट ऑफ ऑबिडियंस टू गॉड ये भी आंसर लिया जाता है लेकिन आ, उसके बाद मैंने इसे काफ़ी काफ़ी जगह चेक किया इस आंसर को क्योंकि मुझे भी खुद इसमें डाउट था आ, उस क्वेश्चन को मैंने जहाँ से लिया था उसके बाद मुझे जब डाउट हुआ तो मैंने चेक किया तो लगभग मैं ये कहूँ कि जहाँ भी मुझे मिला वो यही वाला आंसर था आपका तो आप लोगों को भी यही चूज करना है बजाय दूसरे वाले आंसर के गॉड वाला तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तो हिज रिनन्सिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स ये आपका आंसर होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक द मोस्ट जो फॉलोइंग टीचर कौन सा टीचर है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा अ लविंग टीचर अ टीचर हु इज़ डिसप्लिन अ टीचर ऑफ़ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड अ टीचर हु ऑफ़न अम्यूज हिज स्टूडेंट तो एक लविंग टीचर जो लविंग टीचर की बात आती है तो हम सेंसटिविटी की बात करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्व वह होते हैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एक लविंग टीचर डिसिप्लिन नहीं एक लविंग टीचर मीन्स उसके अंदर सेंसिटिविटी होगी इसलिए वो बच्चों से उस तरह से व्यवहार करता है तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि लविंग वर्ड पे जाना है आप लोगों को डिसिप्लिन नहीं क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन तो अच्छी चीज है ठीक है तो आप लोगों को इधर नहीं जाना है आप लोगों को देखना है कि इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को पढ़ाई में ठीक है बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना पाए जो सब्जेक्ट जो उनसे प्यार कर पाए जो उनको उनके तरफ को सेंसिटिविटी दिखा पाए ठीक है तो ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर टू मेक स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास रूम टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉएबल देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटरेस्टिंग बना पाए तो आपको आइडियल टीचर एक दिमाग में बैठा के रखना है कि वो कैसा है एक आइडियलिस्टिक है सॉरी वो एक ऐसा इंसान है जो लविंग केयरिंग है सेंसिटिव है और वो जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको इंजॉएबल बना पाए अगर इंजॉएबल बना पा रहा है तो वो एक अच्छा टीचर है कहने का मतलब है कि एन सी एफ़ टू थाउजेंड फाइव के अकॉर्डिंग मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ये भी जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं एन सी एफ़ टू थाउजेंड फाइव के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपके दिमाग में एक आइडियल टीचर की चीज़ें फिट बैठ जाएं कि मैंने कहा कि टीचर क्या होना चाहिए प्रोसेस को इंजॉएबल बना पाए वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर जो वैल्यू एजुकेशन है वो किस चीज़ के लिए है तो मेकिंग स्टूडेंट हेल्दी गेट गुड जॉब और पर्सनैलिटी तो इसमें आपका वैल्यू एजुकेशन किससे रिलेटेड है आपका इंकलकेशन ऑफ वर्च्यूज उनके अंदर हम वैल्यू एजुकेशन के थ्रू कुछ गुणों को इनकलकेट करते हैं वेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन एन इराटिक मैन इन क्लास यू वुड जब एक नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ा सा इराटिक होना शुरू हो जाता है तो आप स्टूडेंट को इग्नोर करेंगे टॉक टू स्टूडेंट आफ्टर क्लास आस्ट द स्टूडेंट टू लीव द क्लास और पुल ऑफ द स्टूडेंट देन एंड देर तो आप क्या करेंगे उस बच्चे से बाद में क्लास के बाद आप उससे बात करेंगे और अगर यहाँ पर बात करेंगे वर्ड होता और इसके बाद एक और होता कि आप उसकी काउंसिलिंग करेंगे तो आप काउंसिलिंग वाले को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि काउंसिल करना एक टेक्निकल वर्ड है राइट बात करने की बजाय लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात करने की बात हो रही है तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटर्न मटीरियल शुड नॉट बी यूज फॉर जो अच्छा इवेल्युएशन है वो किस तरह से नहीं शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वो किस तरह क्या चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए लॉजिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन होने चाहिए कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रेड सो ये तीनों चीज़ें आप लोग आप लोगों की वहाँ पे होनी चाहिए कि अगर हम एक किसी का इवेल्यूएशन कर रहे हैं किसी ने कोई हिंदी में कोई चीज़ लिख दिया इंग्लिश में कोई चीज़ लिख दी है तो हम ये चीज देखें कि उसने प्रेजेंटेशन लॉजिकली की है तो वेल एंड गुड आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो नया एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है कि इनके कोई बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन करता है ओके चलिए मैथ्स का नहीं हम इंग्लिश का ले लेते हैं आ, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं आप लोग हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी बच्चे ने एप्लीकेशन लिख दी अब उसने क्या सारी चीज़ें सही सही जगह लिखी हैं देखो लॉजिकल प्रेजेंटेशन उसने एड्रेस लिखा गलत लिख दिया लेकिन सही जगह लिखा है ओके उसने सब्जेक्ट लिख दिया उसमें उसने बीच में जो बॉडी है वो लिख दी और लास्ट में उसने चीज़ें लिख ली तो सारी चीज़ें उसने क्या की हैं सही अगर लॉजिकल एक सीक्वेंस है तो हम उसे वन मार्क्स देते हैं ओके बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि उसने लिंग्विस्टिक जो एक्सप्रेशन है क्या वो सही लिखा है अगर, से, अगर सेंटेंस इस तरह से था कि ही बॉट अ कैट अब उसने कर दिया कि ही बॉट अ डॉग ओके तो कैट को हटा दिया उसने उसने वहाँ पर डॉग लिख दिया लेकिन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन क्या था सही था तो इसलिए हम उसको वहाँ पे मार्क्स देंगे ओके रिप्रोड्यूस वट एवर इज़ रेड और उसने जो भी पढ़ा था उसको उसने दोबारा से उसको लिख दिया तो हम उसको मार्क्स देंगे कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पे बात नहीं आती है कि उसने चीज़ों को कितना समझा ये अलग मैटर है वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड टीचर टीचिंग एड हम क्यों यूज़ करते हैं टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट जब भी हम टीचिंग एड की बात करते हैं तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए यूज़ करते हैं एटीट्यूड्स कॉन्सेप्ट स्किल्स नॉलेज नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ ये सारी चीज़ें लर्निंग का क्या है प्रोडक्ट है अगर लर्निंग uh, होती है तो एटीट्यूड भी आए मीन्स uh, जो हमारा दृष्टिकोण है ओके okay? कई बार एटीट्यूड वर्ड को बिल्कुल ऐसा मान लिया है नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं कहने का मतलब सोचने का तरीके को हम एटीट्यूड कहते हैं ओके सो एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल और नॉलेज ये सारे क्या हैं लर्निंग के बाद ही आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट सो इट इज़ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन अगर हम स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है चीज़ों को समझने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग इनमें से प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कौन सा है तो ये तीनों चीज़ें हैं मैचोरेशन नहीं है द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंट्रैक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल एस तो इनमें हमें पता ही है कि जो इग्नू है वो पूरी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चलाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीड नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद क्लासरूम टीचिंग तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए और स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग तो टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए आई सी टी ऑल ऑफ द अब विल बी आंसर हु हैज साइन एन एम ओ यू फॉर एक्रेडेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया तो वो हमें पता ही है इसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ओके एन ए सी सॉरी इट इज़ एन सी टी ई एन एन ए सी ओके नेक्स्ट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू जो पहली ड्यूटी है टीचर की वो क्या है ऑल राउंड डिवेलपमेंट की होलिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव जब हम माइक्रो uh, टीचिंग की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं सो होपफुली लाइक द क्लास